नमस्कार दोस्तों, मुरलीधर फार्मिंग यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो अभी आप देख सकते हैं हम गेहूं में पानी दे रहे हैं। तो अभी एक बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि हवा है बहुत तेज हो गई है और हमारे जो गेहूं है ये भी जो बालिया में दाने हैं वो अच्छी तरह से बैठ गए हैं। तो ऊपर वजन होने से अभी क्या हो रहा है कि पानी देने से जो ज़्यादा हवा आने से गेहूं है वो गिर रहे हैं, मतलब कि वो नीचे ज़मीन पे ऐसे क्या बोलते हैं आप, ज़मीन में ऐसे नीचे हो जाते हैं। तो अभी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हो कितनी ज़ोरों से हवाएं चल रही है। पर वो इतना पर इतना खास कोई अभी तो नहीं है नुकसान, हवा तो हालांकि तेजी है, पर क्या है कि जो गेहूं की लंबाई है वो इतनी लंबी नहीं है, मीडियम है। तो इससे गेहूं है उसमें कुछ फर्क नहीं आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज चल रही है। और ये जो हमने गेहूं लगाए है ये लोकवन वेराइटी है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हालांकि ज़्यादा आता है आखिर में जब हम पानी देते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोकवन वेराइटी में ही आता है क्योंकि जो इसका जो नीचे का डंडी होती है वो पतली होती है और लंबी लंबी होने से क्या होता है ये नीचे गिर जाते हैं। पर अभी तो इतना कुछ मैंने 2 घंटे से लगाया है पानी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो अभी मैंने पानी कंटिन्यू ही रखा है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ लोकवन और 496 ये दोनों वेराइटी है सबसे ज़्यादा किसान लगाते हैं, क्योंकि जो लोकवन है आपको पता ही होगा कि गेहूं की सबसे टॉप वेराइटी में से एक है और 496 भी जो वेराइटी है वो बड़ी अच्छी वेराइटी है। और जो लोकवन है वो तीसरे नंबर की सबसे बढ़िया वेराइटी आप कह सकते हैं लोकवन को। और जो 496 है वो लोकवन से अगर आप देखें तो उसमें आपको जो हमारा गेहूं है वो ज़्यादा निकलता है, मतलब कि जो हमें पैदावार है वो 496 में ज़्यादा हमने एक बार लगाया था तो उसमें ज़्यादा निकली थी। पर उसमें एक बड़ी दिक्कत है 496 में कि जब वो पक जाते हैं, और अभी तो क्या है कि सब हार्वेस्टर से ही इसको हार्वेस्टिंग करते हैं, तो क्या होता है कि हार्वेस्टर से आप जब गेहूं की कटाई करते हैं तो गेहूं है वो हमें उसको ज़्यादा समय तक ऐसे पकने देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो थोड़े से भी कच्चे रह गए तो हमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें तो क्या है कि सीधा अंदर से ही थ्रेसर से निकल के सीधे दाने ही निकल जाते हैं। तो 496 में क्या होता है कि जो उसकी जो बालियां होती है तो उसका जो ऊपर का जो कवर है वो इतना अच्छा पकड़ नहीं रख सकता है आखिर में जब पक जाते हैं। तो हार्वेस्टर जब हम चलाते हैं तो दाने हैं वो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और इससे ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब कि आप देखें तो एक एकड़ में अगर आप हार्वेस्टर चलाएंगे अगर ये दाने गिरते हैं तो करीब 2-4 क्विंटल है वो नीचे हमारा नुकसान में ही चला जाता है। पर
उसकी जो फसल है पैदावार वो लोकवन से ज़्यादा है, पर ये दिक्कत बड़ी आती है इसलिए हम लोकवन ही लगाते हैं। लोकवन में एक बड़ी हमें जो अच्छा लगा कि जो लोकवन है वो ज़्यादा पकने में भी अगर हार्वेस्टर में हम चलाते हैं तो वो दाने है वो नीचे नहीं गिरते हैं। अभी आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज हो रही है और आप देख सकते हैं ज़मीन भी पूरी तरह से सूख गई है और बड़ी बड़ी तिराड़े निकल गई है। अभी देख सकते हैं हवा है कितनी तेज हो रही है। आगे देखते हैं अगर ये जो हमने पानी दे रहा है तो ये थोड़े से तिरछे हो गए हैं आप देख सकते हैं, तो इतने से कुछ नहीं होगा, ये तो फिर से खड़े हो जाएंगे और ज़्यादा जो अगर गिर गए तो वो वापस खड़े नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो उसकी जो डंडी है ये डंडी यहाँ से ऐसे अगर ये टूट जाती है तो दाना है वो छोटा रह जाता है और इतना मोटा नहीं बन सकता और जिससे हमारा जो वजन है वो भी कम होता है, मतलब कि हमारी जो पैदावार है वो कम हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि अगर आप पानी न दे तो ही अच्छा है, अगर एक पानी आप कम देते हैं तो उससे बहुत इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी ये दिक्कत तो आ रही है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़े तिरछे हो गए हैं ज्यादा। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ कौन सी वैरायटी आप ज़्यादा लगाते हैं गेहूँ की। हमारे तो यहाँ गुजरात में लोकवन और 496 ये ज़्यादा चलती है। अभी दूसरी जो वैरायटी है वो 2 सालों से किसान लगाते हैं, जो नई नई जो वैरायटी आती है। एक वैरायटी आपने अगर मुझे इसका नाम नहीं पता है पर आपने देखा होगा कि ये इसका जो डंडी है वो ज़्यादा मजबूत होती है और अगर तूफान भी आ जाए तो भी ये गिरते नहीं है आखिर में। तो अगर ऐसी कोई वैरायटी अच्छी होती है तो ऐसी वैरायटी लगानी चाहिए और इसमें उत्पादन जो हमारा है फसल पैदावार ये भी ज़्यादा होती है। पर उसमें क्या दिक्कत है कि उसका जो प्राइस है हमें कम मिलता है। ये जो लकवन है सबसे ज़्यादा हमें 496 की प्राइस मिलती है। अगर आप मान लीजिए तो लकवन और 496 में अगर लकवन का 1 केजी का जो भाव है वो अगर 25 रुपये है तो 496 के 29 या 30 रुपये हमें मिल जाते हैं, मतलब कि 1 केजी पे चार से पाँच रुपये का हमें फ़र्क दिखता है, तो इतना फर्क काफ़ी होता है। और यहाँ पे भी हम एक अभी 2 मोटर चल रही है, एक यहाँ पे और एक ऊपर चल रही है। और हमारे यहाँ ये सिस्टम होती है, हम आप देख सकते हैं हमारी जो 6 फीट की क्यारियाँ होती है उसमें हमें 5 लाइन बनाते हैं गेहूँ की। आपने देखा होगा अगर हमारे जो पिछले वीडियो आपने देखे होते तो उसमें आपने देखा होगा, इसमें अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी सब मिक्स हो गया है इसमें। तो अभी आप कमेंट करके बताना कि आपको भी ये प्रॉब्लम आती है जब आखिर में पानी देते हैं तो गेहूँ गिरने में गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।